तो उस लेवल की एक मीटिंग हुई थी और एक बड़ी फेमस स्टेटमेंट मिस्टर भुट्टो ने दी थी उस टाइम, जुल्फिकर अली भुट्टो ने, कि हमें घास और पत्तों पे जीना मंजूर है खा करके, लेकिन एटम बम हमारा देश जरूर बनाएगा, नहीं तो आज ईस्ट पाकिस्तान गया कल को वेस्ट पाकिस्तान भी नहीं रहेगा। दैट वाज द मेन इशू व्हाई दे गॉट सो डिटरमिंड टू बिल्ड अ बम। बिल्कुल 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 जी, आपने तो एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि चीन का बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर भारत के जितना पाकिस्तान का जितना भी परमाणु कार्यक्रम है उसमें चीन का ओवर्ट या कोवर्ट जिसको हम बोलते हैं चोरी छुपे या ओपनली काफी सपोर्ट रहा है, बिना चीन की सपोर्ट के पाकिस्तान का कार्यक्रम यहां तक नहीं पहुंच सकता। देखो जितने भी गैस सेंट्रीफ्यूजेस डिजाइन्स हैं यूरेनियम एनरिचमेंट के, देयर ऑल चाइनीज डिजाइन्स, और कहीं हद तक तो ये भी कहा जाता है कि कंप्लीट मतलब disassembled bombs were given to Pakistan, जो वहां ला करके सीधा असेंबल किए गए थे। और जो ड्रॉइंग एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी है, हाँ जी, आपके परमाणु जो विस्फोट किए हैं चाइना ने, फिर नहीं साक्षी जी, मिसाइल बाद पाकिस्तान क्या करता है, यही टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने की कोशिश करता है मुअम्मर गद्दाफी को लीबिया में, जिसके ब्लू प्रिंट्स तक पकड़े गए थे, नॉर्थ कोरिया को, नॉर्थ कोरिया को एटॉमिक स्टेट बनाने वाला पाकिस्तान ही है, लेकिन हाँ। पाकिस्तान को क्या मिलता है वहां से, बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाँ। वहां से उनको डिलीवरी सिस्टम्स मिले, हाँ। उन बॉम्ब्स को डिलीवर करने के लिए, चाइना से भी नॉर्थ कोरिया से, चाइना अगर कुछ देता है या नॉर्थ कोरिया कुछ देता है पाकिस्तान को, देयर हैंड इन ग्लव्स एवरीबॉडी। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया आपने जो ये बात बताई। अंत में एक ही सवाल पूछना चाहूंगी और मैं आप तीनों से सवाल पूछूंगी और चाहूंगी कि 20 या 25 सेकंड में आप अपना जवाब मुझे दीजिए। ये हम बीच में हमने बात की, हमारे पास बहुत सारे देशों के नाम भी उठकर आए जिसमें हमें यूएसए का नाम बार बार उठकर आता ही है, चाहे वो कभी लड़ाई सुलझाने की बात होती है या आतंकवाद के हमलों की बात हो या कुछ भी बात होती है, उसका नाम उभर कर आता है। तो क्या कितने मतलब हम कह सकते हैं किस सीमा तक यूएसए रिस्पॉन्सिबल है इस सिचुएशन के लिए? कहना चाहिए आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी, चाहूंगी कि कुछ ही पंक्तियों में आप भी अपना जवाब पूरा कीजिए। यूएसए को अपने जो है बेस बनाना था, और जो पाकिस्तान उस टाइम पर जिस टाइम पे इन्होंने अपने को सुपर पावर दिखाना था, तो उस टाइम पे पाकिस्तान एक वीक स्टेट मिला, और अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए जो है इस साइड में, क्योंकि इंडिया से उनको सपोर्ट नहीं मिला, अफगानिस्तान में रशिया था, तो पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट थी जहां पर वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते थे, पैसा उन्होंने डाला, और क्योंकि गरीबी और इनकी जो इकोनॉमी जीरो थी, और उनको जो है बेस मिल गया। जैसे अभी भी आपको पता है, जैसे कि सारा जितना भी अफगानिस्तान का जो है एडमिनिस्ट्रेशन है या जितना भी ऑपरेशन है वो पाकिस्तान के थ्रू, और मिलिट्री एड भी तो दी जा रही है। हाँ नहीं, वही है कि इस बहाने से जो है पाकिस्तान को जो है जिस टाइम पे वो कहते हैं इंडिया को जो है ये जो मिराज एयरक्राफ्ट मिल गए हैं, तो पाकिस्तान अपना हाथ खड़े कर देता है, तो उनको F-16 एयरक्राफ्ट मिल जाते हैं। तो इस तरह से जो है उनको जो है एक बहुत ही सस्ता, मैं सस्ता ही बोलूंगा, हाँ। कि क्योंकि जितनी भी उनके पास ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान में डंप करते हैं। अस्तित्व हाँ। अमेरिकन एड पे ही है, अमेरिकन इकोनॉमिक और मिलिट्री एड पे ही, हाँ, वो जितने भी एड्स देते हैं तो कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल है। क्या डबल स्टैंडर्ड नहीं है यूएसए का? यूएसए का नहीं, पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड हुआ ना, लेकिन यूएसए का, यूएसए की जब हम बात करते हैं, देखिए साक्षी जी, बड़ी पुरानी कहावत है, यू स्क्रैच माय बैक आई विल स्क्रैच योर बैक। हम अगर जब तक दोनों का काम हो रहा है, तो आपने ठीक कहा कि हम अगर भारत के परिप्रेक्ष्य या भारत के दृष्टिकोण से देखें तो हमें डबल स्टैंडर्ड लगता है, लेकिन जब हम अमेरिका के परिप्रेक्ष्य से देखें तो अमेरिका हमारे बर्डन को ढोने वाला नहीं, अमेरिका हमारी लड़ाई लड़ने वाला नहीं, अमेरिका जहां उसको बिल्कुल ठीक कर नहीं, कभी भी देख लो, जैसे अभी मिसेस क्लिंटन आई थी, जैसे ही उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, इस्लामाबाद लैंड की, तो उनकी स्टेटमेंट चेंज हो गई, जो इंडिया में जो बोल के गई उनके वहां जाके स्टेटमेंट बिल्कुल ही रंग बदली हो जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल ऑब्वियस बना रखा है कि भाई आप कुछ करो, हमारे राष्ट्रीय हितों को हमें देखना है, हमें जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, उसमें हमें अपने निर्णय लेने हैं, हमें अमेरिका के ऊपर निर्भर नहीं रहना। इसमें इसमें मैं थोड़ी रोशनी डालना चाहूंगा, जब जब याकूब खान पावर में आए थे 1958, तभी से रुझान पाकिस्तान का अमेरिका का, जब वो सीटो और सेंटो का मेंबर बना तभी से हो गया था, थोड़ा इनमें टिफ हुआ आफ्टर इंडिया पाक वॉर ऑफ 1965। व्हाई? बिकॉज एट दैट टाइम अमेरिका रिफ्यूज टू हेल्प मिलिटरली आइदर इंडिया और पाकिस्तान।
तो उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये जो इन्वेजन है रशियन फोर्सेस का अफगानिस्तान में, और इधर से उस टाइम क्योंकि 80% सप्लाई, दिस इज द ओनली लैंड रूट अवेलेबल टू अफगानिस्तान फॉर यूएस सप्लाईज, तो आज भी वहीं से जाता है। और रही जहां तक डबल स्टैंडर्ड्स की बात, देखो दोनों तरफ से डबल स्टैंडर्ड्स हैं। क्या ऐसी वजह है कि हर यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी, यूनाइटेड नेशंस, हर मतलब डेवलप्ड कंट्री वर्ल्ड का मानता है कि पाकिस्तान इज द बिगेस्ट प्रमोटर ऑफ टेररिज्म इन द वर्ल्ड एज अ कंट्री, एज अ स्टेट, लेकिन फिर भी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट आज भी उसको टेररिस्ट स्टेट क्यों नहीं करार देता? क्यों? उनको जरूरत है, दे वोंट डू इट। वही डबल स्टैंडर्ड्स की बात। फिर इसमें सबसे जी एक चीज और भी है कि आतंकवाद जो है, आतंकवाद कभी भी डंडे से नहीं हो सकता। आतंकवादियों को टेक्नोलॉजी चाहिए, आतंकवादियों को लेटेस्ट आर्म्स चाहिए। देखिए सर, AK-47 राइफल्स है या दूसरे जो हथियार है, शोल्डर फायर रॉकेट्स है, ये सारा भी वेस्टर्न कंट्रीज से या जो डेवलप्ड कंट्रीज से आ रहा है। देखो दैट वाज द गोल्डन एरा जब रशियन फोर्सेस अफगानिस्तान में रहे, उसी टाइम ISI मतलब एक अपना वो उसमें आया फॉर्म में, उसको इतना, क्योंकि जितना मिलिट्री एड मुजाहिदीन को जाता था अफगानिस्तान में, दैट वाज रूटेड थ्रू बाय द CIA, थ्रू ISI, थ्रू ISI, और इतना आज वो स्ट्रांग बन गया है। उनका बजट देखें, यू नो हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग फॉर ISI, क्लोज टू 10,000 पीपल, स्टाफ एंड ऑफिसर्स। जी हां, दे हैव गॉटन हेडक्वार्टर इन इस्लामाबाद व्हिच इज लाइक अ बिग वेल मेंटेन्ड कैप यूनिवर्सिटी। भारत में जो हमारी फोर्सेस के द्वारा जो वेपन और एक्सप्लोसिव पकड़े जाते हैं, उसमें कितने ही चाइनीज मेड ग्रेनेड्स हैं। हाँ, बहुत। और हथियार हैं वो पकड़े जाते हैं। जी आप सही कह रहे हैं, आपने अभी हमने बात की, जो हमने जितने भी मुद्दे थे, हमने आतंकवाद के जो मुद्दे हैं उनके कारणों की हमने बेसिकली बात की है, और क्यों बढ़ रहा है, क्या बढ़ावा मिल रहा है, उन सब चीजों की बात की। आप तीनों ने हमारे साथ चर्चा में साथ दिया, उसके लिए आप तीनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी तो आज हमने बात की आतंकवाद के कारणों की। आतंकवाद, देखिए शुरुआत में भी कहा कि एक मुद्दा ही ऐसा है जिसका नाम सुनकर भी पैर थरथराने लगते हैं, जबान लड़खड़ाने लगती है। तो अभी हमने कारणों की बात की है, अभी हमने बात की किस तरह से और क्या कारण है और क्यों बढ़ रहा है आतंकवाद। और ये हमारी एक मिनी सीरीज है जिसे हम कल लेकर फिर से आपके सामने हाजिर होंगे, कुछ और मुद्दा उठाएंगे, आतंकवाद से ही कनेक्टेड होगा, रिलेटेड होगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। जिंदगी के उतार चढ़ाव के अनोखे रंग और उनसे जुड़े उतने ही मुद्दे, चाहे वो हो शिक्षा, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, राजनीति, अपराध, महिला सुरक्षा, भ्रूण हत्या, किसान और कृषि, पर्यावरण, खेल और ना जाने कितने मुद्दे, इन सभी और अनेकों मुद्दों पर हम करेंगे परिचर्चा SUN न्यूज के खास कार्यक्रम इशू टुनाइट में। इशू टुनाइट एट 9 ऑन सैटरडेज एंड संडेज, ओनली ऑन SUN न्यूज।